નમસ્કાર દર્શક મિત્ર, આપ જોઈ રહ્યા છો SS24 ન્યૂઝ નેટવર્ક. હું છું રંજીતા ગામિત. તો આજના મહત્વના સમાચાર જૂનાગઢ રાવલિયા મધુ સાથે. મહિલા આત્મનિર્ભર બને તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે કામ કરતી સંસ્થા K2 બ્યુટી પાર્લર હવે મહિલાઓ પોતાની જાતે આત્મનિર્ભર થાય તેવા મહિલાઓ માટેના બ્યુટી પાર્લરને લગતા કોર્સ સાથે કીટ પણ ફ્રી આપતી NGO એટલે K2 બ્યુટી પાર્લર. ગુજરાતમાં સૌ પ્રથમ પહેલ કરતા NGO K2 બ્યુટી પાર્લર, જેમાં તમામ મહિલાઓને ન જેવા ખર્ચ એટલે કે ફક્ત 3,500 રૂપિયા જેવા ચાર્જમાં તમામ પ્રકારના નખ બ્યુટી પાર્લર કોર્સ, અને સાથે એક મહિલા પોતાના પગભર થવા પોતાનો ધંધો શરૂ કરે અને ત્યાં સુધીના તમામ પ્રકારની પરિવાર જેમ સરસંભાળ કરી અને બ્યુટી કીટ પણ ભરેલ રૂપિયા 3,500માં તેમને શીખવાડવામાં અને સાથે બ્યુટી પાર્લરને લગતી કીટ પણ કોર્સ પૂર્ણ કર્યા બાદ એ જ ચાર્જિસમાં ફ્રી આપવી, એ તો આખા ગુજરાતમાં કોઈ નથી જે આ NGO દ્વારા K2 બ્યુટી પાર્લરમાં આપવામાં આવી રહી છે, જેમાં સતત 6 વર્ષ થઈ કાર્યરત આ સંસ્થા 18/4/2018 શરૂ કરવામાં આવેલ આ સંસ્થામાં બહેનોને ફક્ત 1 રૂપિયામાં હેર કટિંગથી શરૂ કરી હતી, જેમાં સાથી મિત્રોના સપોર્ટના કારણે સંસ્થા આજે એક વટવૃક્ષ બની, અને જેમાં જોડાયેલા મિત્રોમાં હરીશભાઈ ગુજ્જર, આરતીબેન રાઠોડ, ગુલાબસરના ત્રિદેવની મુલાકાતે પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને ફક્ત નોર્મલ ચાર્જિસમાં મહિલાઓને પગભર થઈ શકે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે મહિલા રક્ષિત કાર્ય પદ્ધતિનો સંપૂર્ણ વિશ્વાસ એટલે જ K2 બ્યુટી પાર્લર, જેમાં હરીશભાઈ ગુજ્જરના જન્મદિવસના શુભ અવસરે સુરત તેમજ સંપૂર્ણ ગુજરાતની મહિલાઓનો સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે. હાલ સુરતની અંદર આ NGO કાર્યરત છે, જેમાં જરૂરી લગતા સંપૂર્ણ ગુજરાતમાં મહિલાઓ માટે આ K2 બ્યુટી પાર્લર શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે. તો દર્શક મિત્ર, ફરી મળીશું નવા સમાચારો સાથે. અમારા સંવાદદાતા જૂનાગઢ રાવલિયા મધુ સાથે. તો જોતા રહો SS24 ન્યૂઝ નેટવર્ક ગુજરાત. इतने टाइम में कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैंने इतने कम टाइम में ज्वाइन किया, बिकॉज जितना भी मेरा टाइम यहाँ पे गया है तो मुझे यहाँ पे यही फील हुआ है कि ये NGO नहीं है, मेरी एक फैमिली है. एंड जो भी चीज़ें बिहेवियर बहुत अच्छा है सब यहाँ से, और सब ऐसा ही फील होता है कि सब अपने ही है, सब अपनी फैमिली है. सो कभी भी मुझे कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई है. अगर कुछ प्रॉब्लम आती भी है तो यहाँ जितनी भी मेरी सिस्टर्स हैं, सर है, सब मेरी हेल्प कर देते हैं. एंड देन कभी अगर मुझे नहीं लगता कि जितने टाइम से भी मैं जुड़ी हुई या आगे भी मुझे करना है तो मुझे कभी प्रॉब्लम आने वाली है इस चीज़ को लेकर. सो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ ज्वाइन करके, और मुझे लगता है ये जो मेरा डिसीज़न था कि मुझे यहाँ ज्वाइन होना है तो ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीज़न था. और इतने कम प्राइस में जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही है, कोर्स मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता बाहर कोई भी ये दे सकता है. बिकॉज हम नॉर्मल कोई भी कोर्स करते हैं, बेसिक की ही बात ले लो, तो हमें कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये वहाँ पे करने ही पड़ते हैं, जो गरीब घर की लड़कियाँ अफोर्ड नहीं कर सकती है. और काफ़ी सारे टैलेंटेड गर्ल्स पैसों की वजह से ही पीछे रह जाती है. तो ये NGO का मेरे हिसाब से बहुत बड़ा गिफ्ट है लड़कियों के लिए. तो जितने भी छुपे हुए टैलेंट हैं यहाँ से बाहर आएंगे, बिकॉज इतने कम प्राइस में कोई नहीं करता. सो मैं बहुत थैंकफुल हूँ, और मैं तय दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ ये NGO का. NGO नहीं बोलना चाहिए, मुझे फैमिली बोलना चाहिए. K2 ब्यूटी बार NGO इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर अ गर्ल, क्योंकि यहाँ से वो लड़कियाँ आगे जाएंगी जो कभी भी पैसों की वजह से पीछे हो जाती है, जिसे मौका नहीं मिलता. सो ये NGO वो सभी लड़कियों को आगे लाएगा, और उनका जो भी छुपा हुआ टैलेंट है, मुझे लगता है K2 ब्यूटी बार से वो जल्दी सबके सामने आ जाएगा. और जितनी भी टैलेंटेड लड़कियाँ पैसों की वजह से नहीं कर पाती थी, वो ये NGO की वजह से कर पाएगी. तो थैंक यू. अच्छा, अभी कितनी लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं यहाँ पे? कम से कम हमारे NGO में 20 से 25 लड़कियाँ हैं. इतने कम टाइम में इतनी लड़कियाँ ज्वाइंट हुई है. एंड जो भी गर्ल यहाँ पे ज्वाइंट हुई है ना अभी तक, उनका बस यही बिहेव होता है कि नहीं यहाँ हमारे साथ बिहेव कैसा होगा, कुछ चीज़ें अगर प्रॉब्लम पड़ी. मैंने ज्वाइन किया, मैं भी डरी हुई थी कि नहीं यहाँ पे ज्वाइंट हुई कुछ प्रॉब्लम आई. आपने तो ज्वाइन कब से किया? मुझे 2 वीक्स हो गए सर. 2 वीक्स हो गए? यस. तो 2 वीक्स में आपको कैसा फीलिंग हो रहा है? तो 2 वीक्स में मेरा जो फर्स्ट डे था, तो मुझे ये फील हो रहा था कि नहीं कुछ मिस्टेक्स आई तो मुझे डांट पड़ेगी या कुछ और. बट यहाँ सब इतने प्यार से बात करते हैं ना, केतन सर है, दी है, सब लोग. ऐसा कुछ भी मुझे प्रॉब्लम हुई तो इन लोगों ने मुझे एज अ सिस्टर, एज अ ब्रदर मुझे सपोर्ट किया. सो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है. और सब गर्ल के लिए, जितनी भी गर्ल यहाँ पे ज्वाइंट होना चाहती है, तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर आपको ज्वाइंट होना है तो सबसे पहले आप ये चीज़ कि ये आपके लिए NGO नहीं है, ये आपके लिए अपना ही घर है, जहाँ से आपको जो भी टैलेंट चाहिए आप ले सकते हो.
यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, हमें ज़्यादा पैसा पे करना है। यहाँ पे बस एक ही चीज़ होगी, आपके पास टैलेंट है, ये एनजीओ आपका टैलेंट उभर के पूरी दुनिया के सामने लाएगा। सो बस यही चीज़ होगी।